top 20 fierce influencers. Yay! Master bedroom hai. And welcome to my channel Ruchi Style Corner. बहुत शाम को आज मैं vlog start कर रही हूँ, मतलब शाम वाली vlog start कर रही हूँ. And अभी आपको मैं थोड़ी सी ready दिख रही हूँ. वो ready इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैं just अभी एक video shoot करके ख़त्म हुई हूँ. और यहाँ पर ना, मतलब मैंने brand video shoot कर लिया है, ये मैं आपको ऐसे ही अपने उससे बता रही हूँ. तो मामाअर्थ ने अभी एक न्यू लिपस्टिक लॉन्च करी है, सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक. एक दो शेड्स जो मेरे पसंद के होते हैं वो मैं रख लेती हूँ, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ जो लिपस्टिक्स होती हैं, क्योंकि इतनी सारी मैं क्या करूँगी लगा करके. जितने भी शेड्स हैं ना, बढ़िया और शानदार शेड्स हैं, उस प्रॉब्लम हो सकता है कि मैं सारी रख लूँ क्योंकि बहुत अच्छी लग रही है मुझे. और आज मैंने ना ऐसे बेडशीट्स का वो किया हुआ है, हॉल वीडियो बनाया है. वीडियो इससे पहले चला जाएगा तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत अच्छी बेडशीट्स मंगवाई है मैंने. कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली पुणे जाने वाले हैं, अभी तक वी आर स्टिल नॉट श्योर. रात को 10 बजे तक हम श्योर करेंगे है जाने का. एक तो टीनू का घर है, मैंने अभी तक देखा ही नहीं है उसका घर, तो वो देखना है. दूसरा जो विक्की के फ्रेंड है राहुल भैया और उनकी वाइफ, उन लोगों ने घर परचेस किया है. दोनों ऐसे हैं कि इन लोगों के जाना मुझे अच्छा लगता है. भाई आज विक्की जल्दी आ गया है, फ्राइडे है क्योंकि आज वो जल्दी चला भी गया था तो इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया, क्योंकि अगर वो लेट आता तो फिर सीधे 10:30-11 बजते. एंड मैं ये समेटती हूँ और फिर आप लोगों को सुनाती हूँ. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो आज है सैटरडे और कल मैं इतनी थक गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी एक्चुअली, इसलिए मैंने फिर आगे कंटिन्यू नहीं किया ब्लॉग. एंड लुक एट दिस भाई, मामाअर्थ तो गजब कर दिया, रिमूव भी नहीं किया क्योंकि मैंने बोला मैं ऐसे क्रैश हुई थी बेड पे. और फेस पे तो वैसे ही मैंने कुछ लगाया नहीं था, सिर्फ वो लगाया था. फोन आ रहा है, एक मिनट. तो निकल गए तुम लोग? नहीं नहीं अभी नहीं, हम लोग निकलेंगे 9:15 तक आ जाएंगे. हाँ, है ना, चलो ओके बाय बाय. हाँ तो टीनू का ही कॉल था एक्चुअली, उसको मैंने ऐसे ही फ्राइडे को बोला था. मैंने उसको थर्सडे को बोला था कि मैं फ्राइडे नाइट को सिचुएशन देख के बताऊंगी कि कल हम सैटरडे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसे कुछ हम काम से नहीं जा रहे, हम ऐसे ही जा रहे हैं. तो अगर सैटरडे संडे हमारे कुछ बहुत काम होते तो फिर हम नहीं जाते. तो हाँ, मैं क्या बता रही थी आपको, लिपस्टिक के बारे में बात कर रहे थे ना. तो भाई मैंने खाना खा लिया, मैं जो सोई हूँ उसके बाद मैं सीधे अभी उठी हूँ सो करके. एंड लुक एट दिस, गजब है, गजब की पे ऑफ है, कलर पे ऑफ है, मज़ा आ गया. अभी प्लांट्स को पानी वगैरह दिया है, फटाफट से नहाने जाती हूँ मैं, लेट नहीं कर रहे हैं हम लोग. और उसके बाद फिर भगवान को नहलाएंगे वगैरह. और थोड़ा सा घर तो वैसे क्लीन ही है, बस डाइनिंग टेबल की हालत ख़राब है. फ्रूट्स वगैरह रखते हैं और निकलते हैं फिर फटाफट, ताकि बहुत धूप ना मिले. कितने भी दिन के लिए आऊँ, चाहे मैं 10 दिन के लिए आऊँ, 5 दिन के लिए आऊँ या 4 दिन के लिए आती हूँ, मैं प्लांट्स अंदर रख देती हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स. मुझे घर एकदम ऐसे बहुत मुरझाया हुआ सा लगता है अगर प्लांट्स घर में नहीं हो, लाइव प्लांट्स स्पेशली. हाँ, सो बचपन से हम लोगों ने देखा है हम प्लांट्स के साथ रहे घरों में, तो घर बिना प्लांट के तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ. तो वैसा है, नहाने जाते हैं फिर आपसे. आई थिंक 4 बार बोल चुकी हूँ नहाने जाते हैं, तो अब सच में नहाने जाते हैं. उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. ओके गाइस, तो अभी हम लोग निकल गए हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं अभी. विक्की एक्चुअली एक बहुत अच्छी सी शॉप है, वो यहाँ पे मेदू बड़ा वगैरह खा रहा है, तो बस ये खाता है और फिर निकलते हैं क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कुछ बनाया नहीं है. फ्रूट्स रखे हैं हालांकि मैंने एकदम फ्रेश फ्रिज से निकाल करके, अंगूर वंगूर और एप्पल वगैरह रख लिया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुणे का सफ़र. मैं लास्ट पुणे गई हूँ 2018 या 2019 में गई थी, मेरी फ्रेंड की शादी भी थी. आज जा रही हूँ पुणे में, भी हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं. हम लोग पुणे पहुँच चुके हैं आफ्टर 2.5 आवर्स, लेट हो गए हम लोग पहुँचने में अब कदम. पर एक चीज़ पुणे में घुसते से जो मुझे सबसे ज़बरदस्त लगी है वो है यहाँ की बैल्कनीज. टीनू भी जिस घर में रहती है ना उसमें भी बहुत बैल्कनीज है, तो वही है, बस पहुँच गए हैं. अभी 7 किलोमीटर्स दिखा रहा है, 5 किलोमीटर्स दिखा रहा है टीनू का घर. तो जब मैं पहुँचती हूँ तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ. ओके, तो हम लोग अभी जा रहे हैं प्लांट की शॉप पर. टीनू का घर तो आ गया है, उसकी सोसाइटी हमको दिख गई है, बट प्लांट लेना है क्योंकि खाली हाथ तो मैं जाने नहीं वाली. विक्की तो ऐसे ही उठ के चल देता है, पर मैंने बोला मैं घुसूंगी ही नहीं, मुझे प्लांट लेके ही जाना है.
तो अब हम प्लांट की शॉप पे जा रहे हैं, जबकि हमारे बिल्कुल सामने से प्लांट की शॉप निकली है, बट तब विक्की रुका नहीं। हम लोग राहुल भैया और राधिका के लिए जो गिफ्ट हमने परचेस किया था वो हम लोग बहुत ही अपनी स्मार्टनेस की वजह से छोड़ के आ गए मुंबई में। मुझे लगा विक्की ने रख लिया, विक्की ने लगा मैंने रख लिया, तो अब उनको भी प्लांट और मिठाई लेके जाएंगे, बाद में जब आएंगे वापस से तब उनका वो गिफ्ट दे देंगे, क्योंकि वो भी मैंने खरीदा उनके घर के अकॉर्डिंग है। तो हम लोग आ गए हैं टीनू के घर पे और मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। एकदम जबरदस्त है, पूरा वेल ऑर्गेनाइज, डस्ट फ्री हूँ मैं। ये रहा सैम। हाय सैम। हाय टीनू। तो ये लोग का हॉल है एंड ये बहुत ही शानदार सी बाग है। और ये टीवी यूनिट है, यहीं से एंट्रेंस है, और ये है वाटर फाउंटेन जिसमें भी पानी थोड़ा कम है, एंड बस प्लांट्स व्लांट्स लगा के रखे हैं। और ये डाइनिंग एरिया, ये है किचन, और ये सबसे बेस्ट बैल्कनी, जबरदस्त बैल्कनी, और ये बाहर का व्यू। और ये बेडरूम है, वॉश एरिया, और ये एक और वॉश एरिया है। मतलब आप बैल्कनी देखो भाई, कितनी सारी दी हुई है। इसमें भी बैल्कनी है, तो ये नो का वर्किंग एरिया भी है, और बेड कम सोफा है ये, और साथ में ये एक बैल्कनी है जहाँ पर प्लांट्स वगैरह लगा करके रखे हुए हैं। अगेन काफ़ी बड़ी बैल्कनी है ये भी। ओके, तो अभी हम आ गए हैं राहुल भैया की सोसाइटी में। काफ़ी ग्रीन है ये, काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। तो अभी हम आए हैं इधर पे राहुल भैया के घर पे, एंड इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है इधर पे। इनकी सोसाइटी भी काफ़ी अच्छी है। ओके समझ गए, मैं आपको यहाँ पे ग्रीनरी दिखाती हूँ। गजब की ग्रीनरी है भाई, गजब की ग्रीनरी। वो देखिए उर्मिला मातोंडकर उसमें है। वही चलाना नहीं लोगों को। क्यूट भूत है, क्यूट भूत। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं, बहुत ही अमेजिंग घर है। मैं आपको इनका सबसे जो यूएसपी वाला चीज है वो दिखाती हूँ, उनका बेडरूम, द हॉल, और वो है बैल्कनी। ये मास्टर बेडरूम है जो कि अभी पूरा होना है, बनना है। वाह, ये है भाई मास्टरपीस। मास्टर बेडरूम से व्यू है, तो आपको ऐसा लग रहा है ना आप जैसे कहीं आ गए हो बाहर भाई, रिजॉर्ट वगैरह में। ये देखिए, सो दिस इज द मास्टर बेडरूम, और ये वॉशरूम, एक ये रूम है, एक ये रूम है। बैल्कनी दिखाती हूँ, ये बैल्कनी, मतलब इस बैल्कनी में क्या नहीं कर सकता इंसान भाई। हे गाइस, तो कल हम लोग रात में यहाँ आ गए हैं, मुंबई आ चुके हैं, और अभी आज सुबह के भाई बस काम चल रहे हैं, क्लीनिंग व्लीनिंग और बहुत सारी चीज़ें। आज मेरा किचन बहुत ज़्यादा फैलारा पड़ा हुआ है, तो आज मैं किचन थोड़ा सॉर्ट करने का सोच रही हूँ। थोड़ी दिन में गर्मी कम लगेगी, तो मैं डेली सोचती हूँ, बट फिर इतनी गर्मी लगती है मैं जाके रूम में एसी में बैठ जाती हूँ। एंड उसके बाद आज बनने वाली है भिंडी की सब्ज़ी, और साथ ही साथ दाल और चावल, और रोटी बन चुकी है। जो कुकिंग वाली दीदी है वो आके बना के चली गई है। पुणे की विज़िट हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी क्या, बहुत शॉर्ट थी एक्चुअली। और हम लोग सिर्फ दो लोगों के पास गए, एक तो टीनू और दूसरी वो जो राहुल भैया थे वहाँ। तो राहुल पीयू तो शी वॉज लाइक अ मतलब बेस्ट चाइल्ड। वैसे तो मुझे जो भी बच्चों को देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट वो इतनी मज़ेदार थी कि मैं लिटरली अभी आई हूँ तो मैं उसको मिस कर रही थी। बहुत सही और एकदम जॉली बेबी होते हैं ना, वैसी थी वो, सबके साथ मज़े करती। मतलब जब हम कार में जा रहे थे वापस,
तो राहुल भैया, राधिका और पीयू हमारे साथ ही थी और वो मेरी गोदी में बैठी थी। कोई टिनटिन पिनपिन नहीं, उसको कोई मम्मी पापा की इतनी ज़रूरत नहीं है, आराम से चिल मार रही थी। और बाकी जितने भी लोग जा रहे थे उन सबको हाय बाय करते हुए, स्माइल करते हुए जाते। जितने उसके मम्मी पापा सोसाइटी में लोगों को नहीं जानते, उतना पीहू के कॉन्टैक्ट्स हैं, सब पीहू को जानते हैं। शी वॉज दैट काइंड ऑफ अ चाइल्ड। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे उसके साथ। फिर उसके बाद सबके सबसे अच्छी चीज़ मुझे पुणे की क्या लगी, वहाँ के घर भाई इतने स्पेशियस घर हैं। और सबसे गंदी चीज़ जो मुझे पुणे की लगी वो था वहाँ का ट्रैफिक, बहुत ही स्टक ट्रैफिक था और बहुत गंदी गाड़ियाँ चलाते हैं वहाँ पे। वैसे भी हमारे सारे लोग वहीं रहते हैं, मतलब टीम वहीं है, फैमिली वाली हो गई। राहुल भी और राधिका हमारे बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से एक है। उनके अलावा भी बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे कजिन्स रहते हैं वहाँ पर। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए गए थे ना, और फिर गर्मी भी इतनी थी तो कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा था। अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो थोड़ा लंबा जाएंगे, तब फिर सबसे मिलेंगे, जिन जिन के साथ रह गया है मिलना। तो कुकिंग करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाय एवरीवन, मैं आप लोगों से मिल रही हूँ आई थिंक 3 दिन बाद। मुझे सबसे पहले तो आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ बतानी है। मैंने सोचा था व्लॉग के स्टार्टिंग में बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया था जब मैं पुणे गई थी, उसके 2 दिन पहले मुझे पता चल गया था। सो मैं ऐसे अपने मेल्स चेक कर रही थी एंड आई रिसीव्ड अ मेल, कंग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग शॉर्टलिस्टेड एज टॉप 20 फियर्स इन्फ्लुएंसर्स फॉर -- क्रिएटर फेस्ट कोई होने वाला है 2023 का। तो मैं 2 मिनट के लिए तो मतलब मैं सोचती रह गई, मैंने कहा ये क्या है, उसको क्लिक किया तो मुझे अब ये भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फेक मेल है, है ना। आजकल बहुत बहुत फेक मेल्स आते हैं और उसमें लिंक दिया रहता है, आपको क्लिक करना होता है ये वो। तो मैं अपनी पहले रिसर्च करती हूँ कि भाई सही जगह से, ऑथेंटिक जगह से आया है कि नहीं आया है। और मुझे पता चला कि येस दिस इज़ ट्रू, मुझे ऐसा ऐसा मेल आया है, आई बीन सिलेक्टेड। मैंने विक्की को भेजा, मेरे मम्मी पापा को भेजा, फिर विक्की से बात कर रही थी तो मैं विक्की को भी पूछ रही थी मुझे किसने नॉमिनेट कर दिया यार, मैं तो अभी इतने दिन से ढंग से काम भी नहीं कर रही हूँ और इतने अच्छे से व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। आपको पता ही होगा अभी ब्रेक भी लिया, फिर पापा का भी सिचुएशन आता, तो बीच बीच में काफ़ी ब्रेक्स हो रहे थे मेरे। तो बहुत ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज इस तरीके के अवार्ड फंक यार टॉप 20 इंडिया में, और उसमें जिन लोगों का साथ में नाम है ना, दे हैव 2 मिलियन फॉलोअर्स, सम हैज़ डेफिनेटली कम वाले भी, उसमें एक ऐसी ब्लॉगर भी है जिनके 40,000 फॉलोअर्स हैं। हम 4 ही हैं जो 4 लाख के कम कैटेगरी वाले हैं, बाकी सब 4 लाख प्लस ही हैं, 4, 5, 6, 8, 10, 1.2 मिलियन, 1.5 मिलियन ऐसे ब्लॉगर्स हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब मुझे नहीं पता मुझे किसने नॉमिनेट किया, कहाँ से मेरा नाम आया, इतने जहाँ इतने कैटेगरीज, इतने व्लॉगर्स आ चुके हैं, उसमें मेरा नाम इस तरीके से आना, इट्स इटसेल्फ अ वेरी बिग थिंग, आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। तो मेरा ये था कि भाई अब मैं जीतूँ चाहे नहीं जीतूँ, मैं ऑलरेडी एक तरीके से एज अपने आप को वो समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो लिटरली बहुत बड़ी बात है। तो मैं बड़ी एक्साइटेड सी हो गई थी और इंस्टाग्राम पे मैंने डाला भी, पहले मैंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पे पहले डाल दिया था, जो मेरा रुचि स्टाइल कॉर्नर वाला इंस्टाग्राम पेज है ऑफिशियल वाला, उसमें मैंने थोड़ा एक दिन बाद डाला था। तो उसमें काफ़ी सारे, उसमें वोटिंग सिस्टम है डेफिनेटली, तो मुझे इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए रहेगा। आप आई एम श्योर अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपने वोट कर दिया होगा, बट अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप उसको क्लिक करके मुझे वोट ज़रूर करिएगा। एंड बाकी देखो हम अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं, बाकी सब कुछ तो जो होना नहीं होना वो सारी अपनी उस पर है। तो बस यही मुझे बोलना था, मतलब ये लिटरली मेरे लिए एक सरप्राइज एलिमेंट था और एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड बोलूंगी मैं, और तो कुछ नहीं बोलूंगी इस चीज को। तो मैंने ये जब अपने पर्सनल प्रोफाइल में पोस्ट डाला, सिर्फ आई थिंक दो मेल, मतलब एक तो मेरे पापा जिन्होंने कमेंट किया था, और दूसरा जो मेरी फ्रेंड है आकांक्षा, उसका हस्बैंड है विशाल, उसने कमेंट किया है। सारे कमेंट्स लड़कियों की तरफ से आए हैं जो सपोर्ट में खुश हो रही हैं। डीएम्स में भी जो मेरे पास आए सब लड़कियों के, अरे वाह, ब्रावो, कंग्रेचुलेशंस, बिग थिंग, दिस इज रियली बिग, ये वो ऐसे करके सपोर्टिव कमेंट्स आए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो अभी ना मैं वैसे भी इस जोन में हूँ, जैसे मैं इस जोन में क्या, मैं काफ़ी टाइम से इस जोन में, जब आई एम लिटरली कटिंग डाउन पीपल फ्रॉम माई लाइफ, मैं बहुत जल्दी लोगों से जेलअप हो जाती हूँ। हर दूसरा इंसान जिससे मैं बात करती हूँ वो मेरा दोस्त बन जाता है, और अच्छा दोस्त बन जाता है। तो मेरे पास काफ़ी लोग हैं मेरे आसपास और जिनको मैं बहुत, अब होता है आप कभी कभी गलत सिलेक्शन भी कर लेते हो, कभी कभी आपके सिलेक्शन बहुत अच्छे भी हो जाते हैं, इट्स अ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो डजेंट मीन दैट यू स्टॉप मेकिंग फ्रेंड्स, आप लाइफ में किसी भी टाइम पर बहुत अच्छा दोस्त बना सकते हो। सो अब क्या है, मेरे बहुत सारे जो मेरे खास फ्रेंड्स हैं, ये जो अब पार्ट होने वाला है ना, ये थोड़ा लंबा चिट चैट वाला पार्ट होने वाला है। तो जिन लोगों को मेरे लाइफ लेसन, जैसे अभी मेरे को लास्ट वीडियो में कमेंट आया था, मुझे डीएम भी आया था कि यार आप बोलते बोलते रुक मत जाया करो, जो लाइफ के लेसन बताते हैं उसको कंटिन्यू किया करो, वो सुनना अच्छा लगता है।
तो मैंने उसको ही बोला, मैंने कहा मैं इसलिए रुक जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई ये ना समझे दादी अम्मा जैसे फिर चालू हो गई है। तो उन लोगों ने मुझे लिखा नहीं 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 हमको बहुत अच्छा लगता है आप ऐसे बोला करो, तो आई एम समथिंग टॉकिंग वेरी सीरियस अभी आगे। तो अगर आपको मेरी ऐसी बातें बोरिंग लगती होगी तो अब इसके आगे कुछ और व्लॉग नहीं है, आप खत्म कर सकते हो, बट इफ यू वॉन्ट टू हियर इट हियर मी आउट ओके। मेरे कुछ खास फ्रेंड्स हैं जिनको मैं खास समझती हूँ, जो काफी पुराने टाइम से है, और उसमें से कुछ मेरे नए भी एड हुए खास वाली लिस्ट में। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी कि जो मेरी साथ की फ्रेंड्स हैं, अगर मैं उनके अचीवमेंट्स में खुश होती हूँ, उस चीज को सपोर्ट करती हूँ, तो आई एक्सपेक्ट कि मुझे भी वही सपोर्ट मिले, मेरे सुख में भी मेरा सपोर्ट मिले और मेरे दुख में भी मुझे वो सपोर्ट मिले। डेफिनेटली मैं तो करती हूँ भाई मेरे खास दोस्तों से। तो मेरी जो कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे अपनी मम्मी के उससे वोट कराया, खुद के उससे वोट कराया, मेरी जो फ्रेंड्स हैं लिटरली अपने पूरे खानदान में स्टेटस लगवाए ढिंडोरा पीट पीट करके, ऐसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। तो दिस काइंड ऑफ एंथुसियाज्म आई वांट इन माय फ्रेंड्स कि हाँ भाई आप खुश हो रहे हो, आप अप्रिशिएट कर रहे हो, आप एक्नॉलेज कर रहे हो। नाउ ऐसे और भी हैं, मैं अभी नाम नहीं ले रही हूँ सबके, स्टेटस एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ मैं, बट एटलीस्ट यू विल एक्नॉलेज दैट थिंग। नाउ अब मैं पिछले जैसे 2 साल हो गए इस जोन को, हमने घर परचेस किया है, मेरी मम्मी का सिचुएशन हुआ, फिर मेरे पापा का सिचुएशन हुआ, या कुछ भी एक आध कोई अचीवमेंट मेरे हुए हैं, 4 पाउंड भी है अब भी है, ऑब्जर्विंग नब क्योंकि 2 साल हो गए और मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ काफी टाइम से, तो लाइक आई एम ऑब्जर्विंग छोटी छोटी चीजें कि चलो आप मेरे अचीवमेंट्स में तो मेरे साथ हो ही नहीं, आप ना उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, ना आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, ना आप उस पर खुश हो रहे हो, समझ में आ जाता है ना। ये तो ठीक है, ये तो साइड हो गया, जब मम्मी के साथ या मेरे पापा के साथ जो सिचुएशन हो, आप तो मेरे दुख में भी साथ नहीं हो, तो फिर आप मेरे फ्रेंड के इस बात पे हो। तो मेरा ये है सर्कल, मैं विक्की को लिटरली नाम से गिना रही थी कि मैं इनसे अब कॉन्टैक्ट नहीं रखने वाली हूँ। हम सिर्फ क्या इसलिए फ्रेंड्स हैं कि तुम अपनी सास की भड़ास हैं और सास की बुराइयां मेरे को करते रहो, ननंद की बुराइयां मेरे से करते रहो, जस्ट कटिंग डाउन दोस पीपल। कैंपस वाले लोग हैं जिनको सिर्फ पार्टी करना है या हमारे साथ रेस्टोरेंट जाना है या चिल आउट करना है, तो मेरे पास वैसे लोगों को के साथ टाइम पास करने के लिए भी अब टाइम नहीं है, हो गया कर लिया जितना करना था, अब नाउ आई एम कटिंग डाउन दोस पीपल फ्रॉम माय लाइफ। दूसरा पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है, तो आपको याद होगा अभी मैंने लास्ट जो Q&A वीडियो डाला था ना, उसमें एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू सिबलिंग के ऊपर कि आपकी कोई और सिबलिंग नहीं है। मैंने एक आंसर दिया था कि मुझे अभी ठीक है, आई एम ओके विथ इट कि मेरा कोई सिबलिंग नहीं है, बिकॉज अगर मेरा कोई टॉक्सिक सिबलिंग होता, उसमें मैंने ये स्टेटमेंट भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि सारे सिबलिंग्स ऐसे होते हैं, देर आर सिबलिंग्स जो बहुत अच्छे भी होते हैं, हेल्पिंग भी रहते हैं ये सब चीज़ें। तो उसमें अब क्या होगा, किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा रिसेंटली, उन्होंने मुझे बहुत ही वियर्ड सा कमेंट किया, मतलब शी वाज माय सब्सक्राइबर, शी कमेंटेड मी 23 अदर टाइम्स एज वेल, बट शी लिटरली कमेंटेड मी, मैंने वो आज कल कमेंट पढ़ रही थी, कल या परसों मैंने वो कमेंट पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने लिखा यू आर वेरी अनलक्की बिकॉज यू डोंट हैव एनी सिबलिंग, ये वो, थोड़ा नेगेटिव सा कमेंट था काइंड ऑफ। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सब सिबलिंग ऐसे होते हैं, जैसे मेरी मम्मी की सिस्टर है, बहन है, मेरी मासी है, दोनों जान छिड़कते एक दूसरे के लिए एंड हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, तो ऐसा मैं ये नहीं बोल रही कि सब सिबलिंग ऐसे होते हैं। मैंने बोला था उसमें भी स्पेसिफिकली, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसी अलग चीज पे था। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देती हूँ, एक्चुअली कोविड के टाइम पे भी क्या हुआ था, बट नाउ वी आर नॉट इन टच विद दोज पीपल। सो मैंने जैसे कि बताया कि मैं बहुत आराम से फ्रेंडशिप कर लेती हूँ विक्की के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, विक्की को थोड़ा सा टाइम लगता है, वैल्यूज फ्रेंडशिप अ लॉट, बिकॉज उसने ये जोन देखा हुआ है कि जब उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं रहे हैं लाइफ में, तो उसके आप जो पुराने फ्रेंड्स मान के चलो 3 ही है, एक तो राहुल भैया जिनके हम पुणे में गए थे वो हो गए, एक दो और उसके फ्रेंड्स हैं, 3 से 4-5 उसका फ्रेंड सर्कल है, एंड ही वैल्यूज देम अ लॉट, मतलब वो निभाएगा और वो आगे भी जिससे फ्रेंडशिप करता है ना, तो वो निभाता है लॉन्ग टर्म। मेरे क्या हुआ, हमारे एक फ्रेंड कपल फ्रेंड है, तो कोविड के टाइम की बात कर, कोविड में जब वो सेकंड वेव आई थी तब की बात बता रही हूँ, तो सिचुएशन क्या हो गई थी कि जो हमारे कपल फ्रेंड है उनमें जो लड़का है उसके फादर की सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, तो हम लोग ऑब्वियसली एज अ फ्रेंड हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम दिन भर में उनसे 2 बार बात करते थे, एक बार विक्की बात करता था लड़के से और मैं बात करती थी उनकी बंदी से कि क्या है सिचुएशन, अभी कैसे है, अपडेट लेने के लिए, तो हम लोग इस उससे कि उनको कंसोल कर रहे, नहीं ठीक हो जाएंगे ये वो फलाना ढिमकाना, मेरे दिमाग में डेफिनेटली ये थॉट आया था कि ही शुड गो देयर, मतलब जब पता चल गया है कि वेंटिलेटर पे आ गए हैं और सैचुरेशन लेवल इतना डाउन हो गया कि प्लस जवाब दे रहे हैं, तो अब इनको जाना चाहिए वहां पर, मेरे साथ प्रॉब्लम बोलो या अच्छी चीज बोलो, तो मेरे किसी के साथ दोस्ती करिए, तो मेरे दिमाग में जो भी थॉट आएगा वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो मैं सामने वाले को बताती हूँ, मेरे मन में नहीं रखती मैं, इन शॉर्ट आप ये बोल लो। तो मैंने उनको बोला कि आपको जाना चाहिए, तो अब लड़की ने मुझे बोला अरे कोविड बहुत ज्यादा है, ऐसे कैसे चले जाएंगे, फिर रिस्क हो जाएगा, घर वाले मना कर रहे अभी आने के लिए, ठीक है फेयर इनफ। मैंने कहा ठीक है आपकी फैमिली का डिसीजन, अपन इतना नहीं बोल सकते, डेज के बाद हमको पता चलता है, 4 डेज में हमें पता चलता है कि उनके जो पापा हैं वो नहीं रहे हैं। जब हमको ये पता चला तो ऑब्वियसली हमने बात करी, अब उस टाइम हमने ऑन द स्पॉट तो मैंने ये नहीं पूछा कि आप कब जा रहे हो, ऑब्वियसली ना आप यही सोचोगे ना कि ये चले जाएंगे,
तब भी मुझे सुनने को यही मिला कि हम नहीं जा रहे हैं, ये है फलाना है ढिमकाना है, और तब जो कोविड है थोड़ा सा सबसाइड होना स्टार्ट, मतलब थोड़ी सिचुएशन अब नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई थी, को अंदर से बहुत अजीब लग रहा था ये सुन करके कि किसी के पेरेंट खत्म हो गए हैं एंड यू आर इन द सेम कंट्री, जैसे आप इंडिया से बाहर हो और आप स्टक हो और फिर नहीं जा रहे हो तो समझ में आता है नहीं गए वो लोग, तो मुझे तब ये बात खटकना स्टार्ट हुई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं जब भी फोन पे बात करती थी लड़की से, मैं बार बार यही पूछती थी वो कब जा रहे हैं, कब जा रहे हैं भैया, कब जा रहे हैं, तो वो मुझे बोलती थी कि नहीं देखो अभी आना चल रहा है, सोच रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आपके घर पे मम्मी को आपकी ज़रूरत है, मतलब उनकी सिस्टर आ गई थी, उनका बड़ा भाई वहीं रहता था, उसकी सिस्टर कहीं और रहती होगी, वो पहुंच गई, तो उनका स्टेटमेंट था कि नहीं घर पे बुआ मासी वगैरह बुआ वगैरह सब पहुँच गई। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि बताओ आपकी बुआएँ पहुँच गई कोविड जैसी चीज़ में और आप उनके बेटे होकर के नहीं पहुँच रहे हो, तो वो खटकने लग गई। 13th डे आता है, आपको सबको पता होगा, जैसे हमारे हिंदू समाज में 13वीं मानी जाती है। मैंने वो पूछा कि कब होगा, मैंने लड़की को बोला, मैंने कहा आप भी जाओ, ये तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जाने की, भले ही सास बहू में कितने भी डिफरेंसेस चल रहे हैं बट ऐसे टाइम पे यू शुड गो। तो बोलती है कि नहीं मैं तो शायद नहीं जाऊँगी, बच्चा छोटा है, बच्चे की वजह से डर है, मतलब मैंने ये भी बातें बोल दी थी, मैंने कहा आपका भी एक ही लड़का है, कल को आपके पास भगवान अगर ऐसी कोई सिचुएशन और आपका बेटा आपके पास नहीं आए तो आपको कैसा लगेगा, मैंने ये करके भी बहुत अच्छे से समझाया उन लोगों को, बट वो नहीं गए, मतलब वो 13वीं पे भी नहीं गए। अब फिर मेरा दिमाग सटकना चालू हुआ, मैं फिर ऊपर से जब फोन लगाओ तो ऑलवेज क्रिबिंग, अरे डिप्रेशन जैसा हो रहा है, सैड सैड है, दिखावा और ड्रामे मत करो, और या तो करो वो चीज, उसके लिए रोना गाना मत मचाओ, ऐसा होता है कि क्यों बोलना है फालतू, उनको बुरा लग जाएगा, ऐसे तो फिर कोई अपना फ्रेंड ही नहीं बचेगा। तो मैंने विक्की को लास्ट में ये स्टेटमेंट बोला, मैंने कहा यार पहली चीज तो कोई दोस्त है, अगर उसको हम दोस्त बोल रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गलत क्या है सही क्या है वो हम बताएं, और आप भी हमको बताओ, ठीक है। और जो इंसान अपने माँ बाप के लिए नहीं खड़ा है उसकी सिचुएशन में, मैंने बोला आपको क्या लगता है वो हमारे लिए खड़ा रहेगा कल को हमको जब जरूरत पड़ेगी तो? फिर विक्की कुछ नहीं बोला, तो ऐसे करके फिर मेरा थोड़ा सा मन हट गया और आई जस्ट स्टॉप्ड, फिर मैं बंद कर देती हूँ, फिर मेरा बातें करना ही कभी मन नहीं करता और मैं धीरे 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 करके कट ऑफ कर देती हूँ। तो ये चीज मैंने अपनी मम्मी को भी बताई थी, मेरी मम्मी बोलती है ऐसे नहीं करना चाहिए तुमको, तो मैंने बोला मैं सबको ये स्टेटमेंट बोली, भाई जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सकता है वो दोस्तों का हो पाएगा क्या? ये एक सिचुएशन है जिसमें मैंने देखा कि पेरेंट्स के लिए मेरा ये है, तो ऐसे लोगों के साथ ना रहना है, ना ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है, ना ऐसे लोगों को अपने साथ रखना है। मुझे तो कोई ऐसा फ्रेंड्स की कमी महसूस नहीं होती है, भगवान की कृपा से बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हर सिचुएशन में, लगता क्या है प्रूव हो गया अभी इन सिचुएशंस में, कि खड़े हुए हैं, चाहे हमारा सुख हो चाहे हमारा दुख हो, वो खड़े हैं हमारे साथ, खुश होते हैं हमारे ग्रोथ पे, दुख में हमारे साथ शामिल होते हैं, मतलब ये सब मैं चीजें देख चुकी हूँ। इस थॉट प्रोसेस से मैंने ये बताया था, कोई टॉक्सिक सिबलिंग होता और वो ऐसी हरकत करता तो इससे बेटर कि मैं अकेली एकदम क्लियर होगी मुझे क्या क्या करना है, मैंने ये थॉट से बोला था। अभी हो सकता है ठीक है, अभी जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सामने वाले को सही लगे, उसका अपना थॉट प्रोसेस होता है। ये वो मेरी इतनी पुरानी सब्सक्राइबर डेफिनेटली वो मेरे वीडियोज देखती होंगी, तो जैसे उनको लगा हो सकता है ऐसा किसी और को भी लगा बट उसने कॉमेंट करके नहीं बताया, तो इसलिए मैंने ये कॉमेंट अभी मैंने ये वीडियो में क्लियर किया कि ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नेगेटिव हूँ, मेरे तो कजिन इस तरीके के हैं यार जो मेरे को क्या भाई की कमी नहीं महसूस होने देते हैं। देखो सगा भाई तो अब है नहीं और ना ही कोई बहन है, सिबलिंग तो कोई है नहीं, तो उसके लिए मैं रोती नहीं बैठ सकती हूँ, है ना, आई एक्सेप्टेड दैट, और मैंने उसको बहुत अच्छे वे में एक्सेप्ट किया हुआ है अपने आप को समझाने के लिए कि मैंने टॉक्सिक सिबलिंग का एग्जाम्पल ले रखा है कि ऐसा सिबलिंग होता है इससे बेटर तो ना ही हो, एग्जाम्पल से मैंने बोला था। तो बस आज का वीडियो मुझे यही खत्म करना था, बहुत सारी लास्ट में बातें कर ली है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।